इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आदमी मजबूत वही है जो घर से मजबूत है। जैसे हम हैं, हम घर से मजबूत हैं, इसीलिए कथा में भी मजबूत हैं। जिस जो अर्धांगिनी के साथ व्यवस्थित है उसका घर ही सुव्यवस्थित है, और जिसका घर व्यवस्थित नहीं है उसका भगवान मालिक है, वो डगमगे डगमग रहेगा। सरकार विशेष परिस्थिति में एक बार माँ को देखते हैं। देखिए ना, धरती के भार को उतारना था तो परमात्मा ने अपने नहीं निमित्त माँ को बनाया। तुम पावक महू करहु निवासा जब लगी करो निसाचरना। अम्मा ने स्वीकार कर लिया जो आज्ञा प्रभु की, जग जननी ने स्वीकार कर लिया जगत को प्रकाश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, कि यदि विषम परिस्थिति आए तो तुमको ये भी स्वीकार करना होगा, तब कीर्ति वर्धन होगा। ये उत्सव धनुष भंग हुआ, जयमाल कंठ में आई, सखियां प्रणाम करा करके माँ को लेकर के पहुंची हैं। इधर भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम का आवेश हुआ, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश किया भगवान विष्णु के द्वारा अजगो जो प्राप्त था दे करके, और तप करने के लिए चलते बने। मिथिलापति विश्वामित्र बाबा के पास आकर प्रणाम करते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है, अब कैसे क्या होगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष टूटते ही विवाह का एक पक्ष तो पूर्ण हुआ, अब वंश व्यवहार का पालन करिए। देखिए, कुल परंपरा, वंश परंपरा, लोक परंपरा, साधु परंपरा, वैदिक परंपरा, ये सारी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। करी लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण की, मनमुखी नहीं करना चाहिए। कनंदू भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, जिसका जो मन करे वही कर रहा है। वैदिक विनोद विनोद में ही कठोर बात बोल जाती, मनमुखी न हो कि जब ये कार्य करने का संयोग बना तो पता चला हम तो कचहरी में खड़े हैं। काहे, खर्चा रुक जाएगा। कई लोग कैसा कैसा सोचते हैं हो। देखिए, गुरुदेव की आज्ञा हुई वंश व्यवहार करने की, राजन दूत पत्रिका लेकर के अयोध्या भेजिए, और महाराज गुरुदेव के अपने सानिध्य में बारात लेकर यहाँ पधारें, धूमधाम से विवाह हो। जीवन में जब भी उत्सव करना हो तो दो बातों से सावधान रहिए। उत्सव करना हो तो उत्साह बना रहना चाहिए, और कैसी भी विकट परिस्थिति आवे तो नाराज बुआ नहीं बनना चाहिए कि उत्सव हो रहा है पता चला आप नाराज हैं, सब लोग उत्सव छोड़ के आपको मनाने में डटे हैं। अरे मान जाइए, इतने लोग जुटे हैं, ये क्या है। तो इसके लिए मेरी और दूसरा विधान है कि जो नाराज बहुत होता है उत्सव में, एक कोठरी में ताला बंद करके बैठा दो, मिठाई उठाई सब रख दो, खाते पीते रहो, जब तक उत्सव न होता है इनको निकाल बाहर करो नहीं, वरना पूरा उत्सव अस्त व्यस्त कर देते हैं ऐसे लोग। अपना महत्व कैसे बढ़े, उत्सव चाहे भले समाप्त तो हो जाए, जीवन में इसका सदैव ध्यान रखना, अन्यथा रुष्ट नहीं होना, व्यर्थ का बवंडर नहीं बनाना। उत्सव को उत्साह पूर्वक, उत्सव में दरिद्रता का दर्शन न हो, उत्सव में हमारे उत्साह का, हमारे मंगल भाव का, हमारे समर्पण का, हमारी श्रद्धा का, हमारे श्रेय का दर्शन होना चाहिए। दूत पत्रिका लेकर पहुंचे, पहुंचे दूत रामपुर अयोध्या गए, हर्षे नगर महाराज को खबर मिली मिथिला से दूत आए हैं, किसी से नहीं हो, सीधे पेशी भाई दूतों की, बुलाइए बुलाइए, क्या संदेश लाए। जो जो दूतों से संवाद हुआ महाराज का पत्रिका पढ़कर, उसी भाव में
यह पद है, सुनिए। दूत महाराज से कहते हैं, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम दरबार जनक नगरिया, जनक नगरिया राजन ऐनी भूप दुवरिया, हमरा राजा जनक नगरिया राजन ऐनी भूप दुवरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया राजन ऐनी भूप दुवरिया, मनवारी इनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी से, राजा जनक दरबार से, सिय के शांति रूप जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले, सिय के शांति रूप जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले, रच चले स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, जुटले बड़े बड़े भट्ट भू धनुहा देख के बैठे चुप, जुटले धनुहा देख के बैठे चुप, दिल भर धनुष उठलना, ओ दिल भर धनुष उठलना, कौनो वीर परियार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती आवत बानी पार से, जनक दरबार से, कहाँ राजन राउर लाल पवन धनुष तोड़ी जय माल, कहाँ राजन राउर लाल पवन धनुष तोड़ी तीनों लोक भरल मा, तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से, हमको पाती लेके आवत बानी पार से, साजी हाथी घोड़ा पाते कलवाजी घोड़ा,
मिथिलापति महाराज की जय हो। श्री किशोरी मैया की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। तो महाराज नेवछावरी देने की रचना बनाए, दूतों ने कान बंद किया और कहा महाराज ये अनीति है, कही अनीति ते मुँह दही काना। क्यों महाराज? हमारी सियाजू जैसे प्रिय महाराज की पुत्री हैं, वैसे हम सब मिथिला वासियों की पुत्री है। ये उनका गांव है, यहां से लेना हमारे लिए धर्म नहीं होगा। आप तो आशीर्वाद दीजिए। देखो कहां कहां लेना चाहिए और किस किस से लेना चाहिए और कहां कहां केवल देना चाहिए, इसकी भी विधि है। चाहे जिससे नहीं लेना चाहिए और चाहे जैसे भी नहीं लेना चाहिए, यही धर्म है। धर्म बड़ा सूक्ष्म है, उसका पालन हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।